इतनी तेजी से कभी विलन को नहीं हराती, कर दिखाया। बगबू कोई परेशानी है? कर दिखाया। हाँ सुनो, हम एक और बार चेक कर लें कि पेरिस में सब ठीक है या नहीं, एक और पेट्रोल की तरह। मुझे बताओगी क्या बात है, तुम्हें बगबू बोला फिर भी गुस्सा नहीं किया? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है और गपशप करने का बिल्कुल भी मन नहीं। तो एक जगह है जहाँ बात नहीं करनी पड़ेगी, तो चलो चलते हैं। ओह माय डार्लिंग, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकती? तुमने मुझे फंसाया। तुमने कहा बातें नहीं, मैंने तुमसे बहुत सीक्रेट्स छुपा कर रखे हैं रोनाल्डो, मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। ठीक है मैं तुम्हें सब बता देती हूँ, मैं दोहरी जिंदगी जी रही हूँ। क्या कर रही हो, उसे कुछ भी मत बताना पागल कहीं की। तुम चुप रहोगी माय लेडी? रोमांटिक कॉमेडीज बोरिंग होती हैं, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता, हकीकत में लड़की की उम्र बीत जाएगी उसे ये बताने में कि वो उसे प्यार करती है। ब्ला ब्ला ब्ला, उसे कैसे पता चलेगा कि लड़का भी उससे प्यार करता है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर बैम, वो किसी और लड़के से प्यार करने लगती है। सब कुछ कितना कूल है, कितना इजी है ना। हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं, किसेस करते हैं, और फिर सरप्राइज, उसके कुछ सीक्रेट्स हैं और लड़का उसे सीक्रेट्स पसंद नहीं है, इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और फिर दोनों हमेशा के लिए दुखी रहते हैं। दी एंड। और इसलिए रोमांटिक कॉमेडीज इतनी बोरिंग होती हैं। माफ करना, हम जा रहे हैं। रोमांटिक कॉमेडी देखना बंद करो, इससे अच्छा है कोई सुपर हीरो वाली मूवी देखो। स्पेशल इफेक्ट्स, दुनिया को बचाते हीरोज, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं क्योंकि बोलने को कुछ है ही नहीं। इससे अच्छा एंटरटेनमेंट और कहाँ मिलेगा, है ना? सॉरी, सुनो माय लेडी, तुमने जो कहा मैं समझा नहीं, और फिर मुझे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में पता नहीं, पर दिल टूटने का दर्द समझता हूँ। दिल टूटा मेरा? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बल्कि मेरा स्विमिंग करने का मन कर रहा है, चलो पूल पर चलते हैं। वैसे अगर दिल खोल कर बात करना चाहो तो मैं हूँ। अफसोस की बात है, मैंने कहा था ये फोटोज यहाँ से हटा देते हैं। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ और मुझे इन फोटोज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फैशन और फ्रेंड्स के फोटोज हैं और मुझे फैशन और फ्रेंड्स पसंद है, इसलिए रहने दो इन्हें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैरिनेट परेशान है, उसका दिल टूट गया है। तो पहले मैरिनेट एड्रियन के पीछे पागल थी, पर उसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाई क्योंकि वो मैरिनेट है और एड्रियन भी ऐसा ही है। फिर आता है लूका, मैरिनेट उसे अपनी फीलिंग बता पाती है क्योंकि वो लूका है और वो दोनों डेट करते हैं। वो दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं। हाँ, पर अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था। बट रियल प्रॉब्लम ये है कि मैरिनेट ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। अगर लूका जुलेका को न बताता, जिसने रोज को बताया, उसने मिलेन को, फिर उसने एलेक्स को, और आखिर एलेक्स ने मुझे बताया, यानी पूरी दुनिया में मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ नहीं पता चलता। कल मैं रेस्टरूम में थी तो मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी। मैरिनेट, तुम रो रही हो? मैं और रोऊंगी? मजाक कर रही हो? मैं बहुत खुश हूँ, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, मैं कितनी खुश हूँ। वो हमें कुछ बता क्यों नहीं रही है? अगर वो आलिया को नहीं बता रहे, यानी वाकई में प्रॉब्लम है। अब हम क्या करें? शायद मैरिनेट को दोस्तों की जरूरत है, तो क्यों ना हम उसे कॉल करें और उसका हालचाल पूछें? मंजूर है। वो फोन नहीं उठा रही। अपना मैसेज छोड़ो। हे मैरिनेट, ये हम हैं। हेलो मैरिनेट, हमने ये बताने के लिए कॉल किया कि तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो, जब भी चाहो, जहाँ भी चाहो। कॉल इज बैक। वी लव यू, बिग हग्स।